हाथ काम नहीं कर रहे क्या तेरे, जो तेरे को चार हाथों की जरूरत पड़ रही है। पर क्या करे, तेरी गलती नहीं है, ये शहर वाली लड़कियां होती है ऐसी हैं, इनको सिर्फ जोरू का गुलाम बनाना आता है। अरे तुम इतनी क्यों टेंशन ले रही हो, नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो शादी हो चुकी है। अरे तुम नहीं समझ रहे हो यार, वो पहली बार हमारे घर पे आ रही है, उनको सब बहुत अच्छे से लगना चाहिए, परफेक्ट लगना चाहिए, उन्हें भी तो पता चले मैं तुम्हारी पसंद हूँ। अरे तुम उन्हें वैसे भी पसंद आ जाओगी यार, टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, मैं खीर देख के आती हूँ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर। अरे माँ आइए आइए, कैसे हो आप? अरे कैसा है मेरा बेटा? बढ़िया, आने में दिक्कत तो नहीं हुई? मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। शहर में आ गए, सुंदर हो गए। अच्छा माँ के साथ मजाक है? अच्छा माँ तो सुंदर हो गई, पर तू यूं बता, तू अभी तक नहीं आया, कैसे गंदे कपड़े डाल रखे हैं, हैं? क्या बात भाई? अरे माँ मैं आपका पुराना नौकाला नौनू ही हूँ, सुबह उठते ही ना लेता। अरे वो तो मैं महक के साथ रसोई में थोड़ा काम करता हूँ, अभी बदल के आता हूँ, एक मिनट में। महक मम्मी आ गई है, मैं आ रहा हूँ। रसोई में काम करवा रहा था महक के साथ, मैं बताती हूँ। अरे नमस्ते मम्मी जी, कैसे हो आप? आने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मेरे को तो आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे आने से तेरे को दिक्कत हुई है ना, तो दरवाजा खोलने के लिए आई और अब भी रसोई से इतनी लेट। अरे नहीं मम्मी जी, वो गैस पे खीर रखी थी ना, इसीलिए वो थोड़ा सा लेट हो गया। आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। मतलब ये कि मैंने कभी अपने बेटे से काम नहीं करवाया। राहुल चुप बोलने दे मेरे को, मेरे बेटे से मैंने कभी काम नहीं करवाया, ठीक है? उसको जो भी चाहिए था ना, मैंने टेबल पे ला के रखा है। इतना प्यार करती हूँ मैं अपने राहुल से, और तूने क्या हाल बना रखा है रसोई। राहुल मैं कहती हूँ चुप, दो हाथ काम नहीं कर रहे क्या तेरे, जो तेरे को चार हाथों की जरूरत पड़ रही है। पर क्या करे, तेरी गलती नहीं है, ये शहर वाली लड़कियां होती है ऐसी है, इनको सिर्फ जोरू का गुलाम बनाना आता है कि किस तरह अपने पति को अपने पीछे पीछे घुमाए, उनसे अपनी मनमानी करवाए, ये संस्कार है क्या तेरे? हैं? मेरा बेटा तेरे साथ रसोई में काम करेगा, और राहुल तू, तेरे को इसीलिए भेजा था मैंने शहर में कि यहां तू अपनी बीवी के पल्लू के बंधक कह रहे हैं, यही संस्कार दिए थे क्या? बात सुन, मेरे बेटे से काम मत बताया कर, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? राहुल मैं कहती हूँ बिल्कुल चुप हो जा तू, बस मेरे को बोलने दे, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि तू किचन में काम कर रहा है। आया भी अभी पीछे ही, हद होगी। सुनो मैं क्या, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बस पुराने ख्याल वाली हैं, इसलिए उन्होंने गुस्से में बोल दिया जो भी। अरे मैं समझती हूँ, मुझे पता है मम्मा दिल की बहुत अच्छी है, मुझे किसी भी बात पर बुरा नहीं लग रहा है। मैं भी उनसे बात करता हूँ, मैं समझाऊंगा। वो पहले ही बहुत हर्ट हो चुके हैं मेरी वजह से, मैं नहीं चाहती वो और हर्ट हो मेरी वजह से, और उन्हें नहीं पसंद तुम्हें सब किचन में हेल्प करो, तो कोई बात नहीं मैं मर रहूंगी, तुम जाओ ना उनके पास बैठो ना। अरे क्या बात होगी बेटा? अरे बात तो बताओ, ऐसे रो रही है तू? राहुल
क्या हो गया तुम? इतना रो रही हो? पता नहीं हुआ क्या इसको? अरे दीदी क्या हो गया आपको? आप क्यों रो रहे हो? मम्मी मैंने उस घर में नहीं रहना, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हुआ क्या है? मम्मी सारा काम मेरे से कराते हैं। मम्मी घर का कोई काम हो सारा का मेरे पे। आपने मुझे वहाँ बेटी बना के भेजा था ना, बेटी तो छोड़ो, मुझे बहू की तरह भी नहीं लगते। पापा मुझे नौकरा नहीं समझ रखे। सारे काम घर का कोई काम ना वो कोई किसी से पाए नहीं करेंगी और कोई नहीं करेगा। मैं हल्का सा मोहित को कहूँ की मेरे साथ हाथ बटा दो तो बिल्कुल हाथ नहीं बटाते मम्मा। अच्छा 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 हम बात करेंगे, तू रोना बंद कर। मम्मा जब हम दो जन घर में रह रहे तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जनों की होनी चाहिए ना। और मैंने खाना बना दिया तो वो डाल कर ले। मैंने कपड़े तय कर दिए तो वो अलमारी में रख दे। मम्मी वो सारा काम उनको होता है कि मैं करूँ। और मैं अगर एक काम मोहित को बोल दूँ ना कि आप ये काम मेरे साथ करा दो, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते कि मैं यहाँ ये काम करूंगा क्या? मैं अपनी बीवी के साथ काम कराऊंगा क्या? मम्मी कोई किसी की बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है क्या? सही बात है मम्मा, कोई किसी की बेटी को ऐसे रखता है क्या? बिल्कुल भी नहीं रखता। मम्मा फिर भाभी को ऐसे क्यों रख रहे हैं? मम्मा भाभी भी तो किसी की बेटी है ना, उनकी माँ ने भी तो उनको कितने नाजों से लाडों से पालकर बड़ा किया और हम उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर दामाद बेटी की हेल्प करे तो ठीक, पर अगर बेटा अपनी पत्नी की हेल्प करे तो जोरू का गुलाम। गलत बात है ना मम्मा, भाभी भी तो भैया की तरह जॉब करती है। अब जब मम्मा घर चलाने में भाभी और भैया दोनों का हाथ है तो घर संभालने में भाभी अकेले क्यों? मम्मा साथ देने से साथ और ज्यादा बेहतर हो जाता है। यही मैं आपको 3-4 दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपना घर छोड़ के मेरे घर को संभालने के लिए आया, उसे मेरे से ज्यादा आपकी खुशियों की चिंता होती है। जब उसे पता लगा ना जब आप आ रहे हो, उसे ये था कि मैं मम्मी के लिए ये बनाऊंगी, मम्मी के लिए ये लेके आऊंगी। लेकिन अब समझ में आ गया मेरे को, मैं यहाँ बेटे मैंने तेरे को जो भी बोला बुरा बोला चाहिए था। जब तू मेरे बेटे से काम कर पाती है ना मैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने इसलिए तेरे को डांट दिया। पर अब ना मेरे समझ में आ गया कि तो पूरी बेटी होती है। तू टेंशन मत ले, तुझे जो भी चाहिए ना तू राहुल को मत बोल रही हो, मेरे को बता दियो, मैं खुद ला के दूंगी तेरे को। मैं हेल्प करवाऊंगी, मैं काम करवाऊंगी तेरे साथ, ठीक है? पर प्लीज मुझे माफ कर दे, प्रॉमिस मैं कभी दुखी नहीं करूंगी तेरे को। आप मत रोइयो प्लीज। और राहुल तू भी मोहित के पास अभी फोन कर। नहीं, मोहित को कोई फोन नहीं करना, मोहित के साथ सब ठीक है, सब बढ़िया है। ये तो मेरे पास भैया को कॉल आया था और उन्होंने सारी बात बताई, फिर भैया और मैंने मिलकर ये प्लान बना लिया। नाटक कितना ड्रामा मेरे साथ। अच्छा आप सब बातें कीजिए, मैं चाय बनाने लाती हूँ। नहीं, अब तू बैठ, चार कप चाय बना ले। मम्मी सारे सरसों पकौड़े हो जाते हैं। हाँ इसका ज़्यादा आलू के पकौड़े। अक्सर बोल दिया जाता है कि हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे, पर क्या सही मायने में ऐसा हो पाता है? कुछ ना कुछ फर्क हमेशा रह जाता है जिस वजह से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अपनी बेटी बेटी और दूसरों की बेटी पर आई, अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना जायज लगता है, पर अपनी बहू के लिए कुछ अच्छा करना यानी सर पे चढ़ाना गलत है। आइए इस सोच को बदलते हैं और बहुओं को सिर्फ बेटी कहना नहीं, बेटी मानना शुरू करते हैं। थैंक यू।